वो एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर जो वो 5 करेंगे, इसमें जो वो इस टाइप की क्वेश्चन है, टाइप कौन सी है जी, ए स्क्वेयर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि एक तो कंप्लीट स्क्वेयर होगा तीन टर्म्स का और एक टर्म खुद ही कंप्लीट स्क्वेयर होगी, ठीक है। ये ए माइनस बी या ए प्लस बी का स्क्वेयर होगा और ये जो है वो एक टर्म स्क्वेयर में होगी और नेगेटिव में होगी, जो कि बाद में चाहे वो फार्मूला ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर जो कंप्लीट करेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है वो कंप्लीट स्क्वेयर है, ये भी कंप्लीट स्क्वेयर है और ये भी कंप्लीट स्क्वेयर है, ठीक है। लेकिन ये दोनों टर्म्स में आपका ए बी जो है वो इसमें मौजूद है, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी का फार्मूला जो है वो इन तीनों टर्म्स में जो है वो लगेगा, जिसमें दो जो है वो कंप्लीट स्क्वेयर होंगे और थर्ड वन में जो है इनके वेरिएबल दोनों के जो वो मौजूद होंगे। तो ये कंप्लीट स्क्वेयर है किसका जी, 3a का, और ये बी का, और यहाँ पे माइनस टू फार्मूले का, ए 3a और बी आपका जो है वो बी ही है, ठीक है जी। ये हमने फार्मूले को जो है वो शेप में शिफ्ट किया और माइनस जो वो 16c² इसको जो है वो भी वैसे ही लिखेंगे, इसको जो है वो क्लोज फॉर्म में लेके जाते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है जी। और उसके बाद जो है इसका ये किसका स्क्वेयर है, ये जी 4c का स्क्वेयर है, और अभी ये फार्मूला लगेगा जी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो इसको एक दफ़ा पॉजिटिव ए, अभी ए आपका ये है और बी ये है, ए और बी से मुराद आपकी पहली और दूसरी टर्म है, ठीक है, पहली और दूसरी जो है वो रकम है, पहली वैल्यूज ये ए प्लस दूसरी वैल्यू जो है वो ये है, फिर ए 3a माइनस जो बी और दूसरी वैल्यू जो है वो आपकी 4c है, ये आपका जो है वो आंसर है।